चतुर्भुजी मंदिर जाने वाली सड़क पर बहा रहे नाली का पानी को बंद कराने के लिए इंस्पेक्टर बीडीओ और थाना प्रभारी ने लोगों को दी चेतावनी। रामनवमी में श्रद्धालुओं को मंदिर जाने में नहीं हो परेशानी के तार प्रखंड क्षेत्र का सुप्रसिद्ध चतुर्भुजी मंदिर जाने वाली सड़क पर पिछले कई महीनों में इससे बाजार के कई घरों के नाली का गंदा पानी बह रहा था। इस कारण सड़क नाली के बदबूदार पानी से बज बजा रही है। सड़क से श्रद्धालुओं को चतुर्भुजी मंदिर जाने में परेशानी हो रही है। इससे परेशान होकर श्रद्धालु बाजार स्थित रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से मंदिर जाने को विवश हैं। श्रद्धालुओं को दूसरे रास्ते से मंदिर जाने से व्यवसाय पर भी असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहा है। इस अवसर पर चतुर्भुजी मंदिर परिसर में एक माह का नवरात्र मेला लगता है। वहीं नवरात्र के प्रथम दिन कलश यात्रा भी निकाली जाती है। इस रास्ते पर नाली का पानी बहाव पर रोक लगाने को लेकर इंस्पेक्टर राजीव कुमार, बीडीओ सावित्री कुमारी और थाना प्रभारी रोशन कुमार ने रोड टू रोड जाकर नाली का पानी रोड पर बहाने वाले लोगों को कड़ी चेतावनी दी और जो लोग अतिक्रमण किए हुए उन लोगों को सरकारी जमीन को छोड़ने के लिए भी बोला गया। वहीं मंदिर विकास समिति के लोगों ने मंदिर परिसर में अग्निशामक एवं महिला पुलिस बल बहाल करने को लेकर इसकी जानकारी दी ताकि मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना न घटे। वहीं चतुर्भुजी मंदिर विकास समिति के संरक्षक राम विचार साहब, अध्यक्ष प्रमोद कुमार, सचिव हेमंत पाठक, कोषाध्यक्ष विनोद भगत, उपाध्यक्ष छोटे शर्मा, उप सचिव प्रमोद मेहता, उप कोषाध्यक्ष अमरनाथ जायसवाल, मदन पटेल, पंकज कुमार, सुरेश प्रसाद, गोपाल विश्वकर्मा, संजय पाल, दिलीप गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।